अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्टार्टिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी रिपोर्टर किरण वजीर। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पीएचक्यू पुलिस हॉस्पिटल कराची। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजफ्फर अली जगरानी, जो कि इस हॉस्पिटल के एमएस हैं। आइए डॉक्टर मुजफ्फर साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे जो है इनके करियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप ये बताइए, आप अपनी लाइफ का आगाज़ अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया और जो एजुकेशन के बारे में? मेरा जो इंटरमीडिएट तक जो एजुकेशन है वो मेरा डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में हुआ है और उसके बाद मेरा सिंध मेडिकल कॉलेज से मैंने बीटीएस किया। उसके बाद मेरी पहली जो पोस्टिंग हुई है वो इसी पुलिस हॉस्पिटल में इसी कमरे में हुआ है और मैं यहाँ उसके बाद में यहाँ से मैं फिर ट्रांसफर हुआ तो मैं सब जगहों पर मेरी पोस्टिंग रही है। मोस्टली मैंने इंतजामी पोस्टों पर मैं रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं इस्लामाबाद में पोस्टेड रहा। मैं इस पुलिस हॉस्पिटल में 2019 में मेरी पोस्टिंग हुई दिसंबर में। इससे पहले मैं एडीएच वेस्ट था। इससे पहले भी मैं जो है इस्लामाबाद में एमएचसी प्रोग्राम का इंचार्ज रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का। और मैं इसके अलावा मैनेजर आया डिगू रहा हूँ, इंचार्ज डीएचडीसी वेस्ट रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम पोस्ट हॉस्पिटल में रहा हूँ, कैमाड़ी में रहा हूँ, मेडिकल सेल में रहा हूँ और एडीएच रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपका ये हॉस्पिटल कब बना और इसमें क्या जो है सहूलियात पेशेंट के लिए? ये हॉस्पिटल तो बहुत ही पुराना है, अंग्रेज़ों के दौर से जो 50 बेड का ये हॉस्पिटल है जो अभी हम बढ़ के 66 बेड का बेड का हॉस्पिटल है। तो ये बेसिकली कालका एक लेवल पर है। इसको हमने अभी मजीद इसको एक्सटेंशन कर रहे हैं जिसमें आई जी गुलाम किशन साहब का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ही वो हमसे रबते में रहते हैं और बार बार वो मुख्तलिफ तरीके से हमसे और जो रास्ते में रहने के बाद हमें हमारी फैसिलिटी के हवाले से हमें अपडेट करते रहते हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की इंशाल्लाह कि हॉस्पिटल मजीद जो है वो तालका हॉस्पिटल से निकल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा और उसके लिए उनकी बेहतर कोशिश है। और उसमें पिछले दिनों में अलीशेर जकरानी साहब जो है ए आई जी वेलफेयर थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और इंशाल्लाह आगे और जल्दी होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो पुलिस अहलकार है और यहाँ पे जो पेशेंट है उनके लिए आपके पास जो है क्या इंतजाम है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पुलिस हॉस्पिटल में पुलिस वाले और उनके जो है डिपेंडेंट और स्पाउस वो आते हैं यहाँ पर, तो इसमें इनका इलाज होता है। फिलहाल तो हमने अभी स्टाफ जो है ओपीडी है हमारे पास और इसके अलावा ओपीडी डिफरेंट ओपीडीज हैं जिसमें मेडिकल ओपीडी है, सर्जिकल ओपीडी है, आई का जो है हमारा ओपीडी है यहाँ पर, कार्डियोलॉजी का, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, उसके अलावा हमारे पास यहाँ जो है सी आर सिस्टम है जो गुलाम जुमर साहब ने हमें अभी दिलवाया लेटेस्ट डिजिटल सी आर सिस्टम है एक्सरे का। इसके अलावा लैब है वो अभी हमारा जो है एलाइजा सिस्टम लैब में आ गया है, ऊपर हम इसको बहुत जल्दी इसको वो स्टार्ट करने वाले हैं और लैब भी इंशाल्लाह फुल फ्लेज काम करना शुरू कर देगा। और इसमें जो है हमारे इसमें इसके अलावा हमारा 24 आवर इमरजेंसी चलता है, मेल इमरजेंसी और फीमेल इमरजेंसी दोनों अलग अलग चल रहे होते हैं हमारे पास। इसके अलावा फिजियोथेरापी हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें तकरीबन डेली 45 जो है के करीब मरीज आते हैं जो अभी फिजियोथेरापी करवाते हैं। और इसके अलावा हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है जिसमें भी काफ़ी ठीक ठाक जो है मरीज आते हैं, तकरीबन बच्चों की तादाद वो डेली 40 तक पहुँचता है। मेडिकल ओपीडी 70 प्लस से 80 तक में डेली ले जाता है हमारे पास मेडिकल ओपीडी में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी तो मजीद सहूलियात हमारे पास आए। गायनी का हमारे पास जो है वो वार्ड है, जैसे गायनी वार्ड में भी हमारे पास मरीज आते हैं, दाखिल होते हैं, उनको भी इंशाल्लाह आगे मजीद डेली बेसिस पे हमारे एवरेज 300 पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो है पुलिस एहलकार और उनकी फैमिलीज का इलाज किया जाता है, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे जो हम हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं जा सकते हैं इलाज के लिए? ये बेसिकली पुलिस का हॉस्पिटल है इसलिए पुलिस वाले और उनके फैमिलीज वो आते हैं, बाहर वाले फिलहाल नहीं है। लेकिन कोरोना में जब कोरोना हमारा जो है शुरू हुआ था HDO, उस वक्त हमने बाहर के पेशेंट लिए थे इमरजेंसी सिचुएशन में। तो अभी दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन होगा तो इंशाल्लाह हम जरूरत के मुताबिक अगर हम समझते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में हम बाहर वाले डिस्कशन को। अच्छा सर, आप यहाँ पे जो है MSPC को तैनात है तो आप कैसा?
जी मैं एमएस के सीट पे मैं यहाँ पर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इस सीट की जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ मैं उनको पूरी करूँ। अगर अभी भी मैं मुतमिन नहीं हूँ, इसकी वजह मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूँ मज़ीद इसको इम्प्रूवमेंट करूँ, इस हॉस्पिटल में इम्प्रूवमेंट लाऊँ। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पेशेंट को जो है रेफर किया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में, हम जिन सब मेजर एक्सीडेंट हुए हुए होते हैं तो उनको दोबारा क्यों बुलाया जाता है यहाँ पर? असल में हम जो भी पेशेंट यहाँ से जो फैसिलिटी हमारे पास नहीं होता है तो हम उनको टर्शियरी हॉस्पिटल में हम भेजते हैं। तो उसके बाद उनको दोबारा इसलिए बुलाया जाता है कि वहाँ पर उनकी जो ट्रीटमेंट है तो वो क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और उस ट्रीटमेंट के हवाले से उनकी छुट्टी वेस्ट उसको कितना बनता है। अक्सर यहाँ से हम भेजते हैं तो वो फिर अपने हिसाब से वापस आते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम उनको कहते हैं कि जो आपका वहाँ पर इलाज हो रहा है, जो चीज़ वहाँ के डॉक्टर जिनके आप देर इलाज है वो रिकमेंड करें, उसी हिसाब से आपकी छुट्टी। तो क्या यहाँ पे आने के लिए उनको टीए जो है प्रोवाइड किया जाता है? टीए तो वो तो नहीं होता है किसी भी मरीज का, कहीं भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं होता। जी तो सर, आप ये बताएं कि आपकी जो है बचपन से क्या ख्वाहिश थी? मैं बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊँ। टेस्ट मैंने क्वालिफाई नहीं किया, वो एक हसरत रह गई। अल्लाह का शुक्र है अभी वो हसरत मैं किसी और तरीके से पूरा करता हूँ और अपने बेटे को इंशाल्लाह आर्मी में मैं भर्ती करवाऊँ। और अगर आप यहाँ नहीं होते एम एस की सीट पे, यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो आप फिर कहाँ होंगे? जैसे आपको किसी और चीज़ में किसके अलावा? मैं अगर पुलिस हॉस्पिटल में मैं एम एस हूँ, से पहले मैं एक जगह पे एम एन सी एच प्रोग्राम था इस्लामाबाद में, उसमें बड़ा गुंजाइश था काम करने का, जिसमें मैं मेरी ये कोशिश थी कि अगर नहीं होता तो मैं वॉलंटियरली उसी सब्जेक्ट पे मैं काम करूं जिसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान जो मिलेनियम गोल है उसको अचीवमेंट में वो कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से उस गोल को अचीवमेंट में जो स्टेप्स हैं उसमें मैं हेल्प करूँ। जी सर, आप ये बताएं कि जो मरीज़ यहाँ से आप दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करते हो, वहाँ पे एडमिट होते हैं, उनका ऑपरेट वगैरह होता है, तो वहाँ पे ऑपरेट होने के बाद वो यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकते, तो उनके लिए क्या इकदाम आते हैं? नहीं, जो ऑपरेट होकर ठीक होकर वापस हमारे पास ही आते हैं, क्योंकि इनिशियली जो भी प्रोसेस होता है वो हमें, वो उनका जो वेटर आता है उनके डिपार्टमेंट से हमें, फिर फर्दर हम उनको भेजते हैं। अगर वो डायरेक्ट कहीं जाते भी हैं तो फिर भी वो घूम फिर के हमारे पास आता है, क्योंकि उनका सारा रिकॉर्ड, उसकी जस्टिफिकेशन, उनकी को जो जितना इलाज हुआ, एक तो वो बिलों के हवाले से वो बाद में वो भी हम जस्टिफाई करते हैं, छुट्टी के हवाले से भी हम जस्टिफाई करते हैं इसके। लिहाजा वो आना तो क्योंकि हम पुलिस के डॉक्टर हैं, हम ही इसको वेरीफाई करेंगे, हम ही इसको जस्टिफाई करेंगे। सर, हमने सुना है कि जो पेशेंट हैं आप उनकी गैर हाजिरी रिपोर्ट जो है वो मतलब सबका भेजते हैं, जो गैर हाजिर होगा उसकी गैर हाजिरी चली जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किसी को सर में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, वो कमर के दर्द का बहाना करके यहाँ से हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, हमें टर्शियरी हॉस्पिटल में भेजा है, वहाँ पर वो गायब हो गया तो घर आदरी जाएगी तो आपके हमें बताए, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर जो है वो उनके जो है पेपर्स रिपोर्ट्स में जो है वो इलाज कंटिन्यू नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वहाँ के डॉक्टर अगर किसी के लिए लिखे हम उनको करें, इतना जुर्म कहीं भी नहीं होता है, कोई भी डॉक्टर नहीं करता मेरे ख्याल में। बाकी ये होता है कि पेशेंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादातर पेशेंट जो है वो जेन्युइन बीमार होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कहीं पे ऐसा सर्टिफिकेट लाते हैं जिन पे ना साइन होता है ना स्टैंप होता है, किसी की पैरामेडिक के हेल्प से या किसी डॉक्टर की ऐसे हेल्प से वो लिखवा के ले आते हैं दो तीन, उसको हम वेरीफाई करते हैं, वो बाद में साबित होता है कि ये गलत है तो हम उसको भेजते हैं। जी सर, आप ये बताइएगा अगर आप सियासतदान होते हैं तो आप क्या? अगर मैं सियासतदान होता तो सियासत एक इबादत है, उसको अगर बंदा इबादत समझ के करे, इसमें लोगों को खिदमत करने के बहुत मौके मिलते हैं, इसमें बंदा जन्नत और दोजख दोनों कमा सकता है। मैं कोशिश करता कि मैं जन्नत अपना कमा लेता हूँ, ईमानदारी से चलता, कोशिश करता, ताकि ईमानदार जात को वो इस वो खुद को कहना है वो है वो हमें कोशिश करता। जी तो सर, आप ये बताएं कि इस सब जो मुल्की सूरत हाल है, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, सिंध है और जो भी कब्जा है, तो सैलाब के दौरान लोगों के लिए आपने कोई कैंप आपकी टीम में लगाए हैं यहाँ के? जी, इस महीने हमारा जो है एस एस यू वालों ने कैंप लगाया था, हमने हमारे डॉक्टरों के पास गए थे हमारे पुलिस हॉस्पिटल से, इसके अलावा हमारे पुलिस हॉस्पिटल के जो लेडी डॉक्टर हैं वो लेबर स्क्वायर में वहाँ पर कैंप लगा था, उनमें हमारे डॉक्टर शामिल हुए,
और बाकी हमने अपने मदद आपके तहत मैंने अपने इलाके में मेरा जैकब वहाँ से ताल्लुक है और मेरा ताल्लुक पुल से है, तो वो एक रिमोट एरिया है, वहाँ पर शायद काफ़ी लोगों को एक्सेस नहीं था, लोगों को कुछ पता नहीं था, और फिलहाल यहाँ वहाँ पर हमने अपने इलाके में अपने मदद आपके तहत हमने खुद जितना भी कंट्रीब्यूशन किया, फिर सरकार का भी मदद वहाँ मिला है और कंट्रीब्यूट करके हमने लोगों को हेल्प कर। जी तो सर आप ये बताइए था कि आपकी फैमिली में कोई फोर्स पे है, पुलिस फोर्स में है या आप ही हैं? जी मेरे अलावा मेरे दो भाई पुलिस में, एक ने रिजाइन कर दिया और एक भाई मेरा जो है पुलिस में अभी भी है, वो DSP हैं आसिफ अली जट्टा, जो कराची के मुख्य थानों में SHO रह चुके हैं, अभी इस वक्त ट्रेनिंग ब्रांच में DSP हैं। और मेरी छोटी बहन है वो अपना डॉक्टर है NICH में, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चों का वार्ड में, और उसके अलावा मेरे बड़े भाई हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, तो वो खदमत खालत करते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो हल्के खुदा में लगे हुए होते हैं। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब, हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत हो गए थे, उसके बाद हमारा जो सिलसिला है वो हमारे जो बड़े भाई थे उन्होंने हमें संभाला है, और उन्होंने हमारा सारा एजुकेशन, उन्होंने हमारे सारा जो हेल्प किया। हमारी वालदा गो के वो एजुकेशन उनके पास नहीं था, लेकिन वो जाहिल नहीं थे, वो हमें बुक उठा के देते थे, उल्टा पकड़ा थे, बेटा पढ़ो, इसमें आपकी इज्जत है, इसमें आपकी अजमत है, तो हमें बड़ा उनके मोटिवेशन मिलता था, वो हमें इतना मोटिवेट करते थे, आज हम यहाँ पर हैं। अच्छा सर आप ये बताइए मेरे हॉबीज में, मैं मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है, और वैसे मैं अभी जो है स्विमिंग पे भी जाता हूँ और गोल्फ खेलने भी जाता हूँ, ये आजकल का जो है मैं देखा रहा हूँ। वैसे इससे पहले मेरा जो है वो मुझे ये प्लांटेशन, ये दरख्त लगाना, गार्डनिंग में ये बहुत बड़ा शौक। जी तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर MS डॉक्टर मुजफ्फर जटानी साहब, जिनसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। तो आइए आगे बढ़ते, इसी के साथ हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार DMS, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके जो है इस हॉस्पिटल में क्या खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं? उसके बाद जॉब हो गई 95 में, जॉब हो 95 में सब जगहों पर मेडिकल ऑफिसर रहे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहे, मैं यहाँ आपके लिए DMS बने, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर किया, यहाँ पर DMS की मैं डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर। के कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दें, तो ये मैं लहर की हूँ शुक्रगुजार हूँ हमारे करंट IG साहब का, गवर्नर साहब का, इसने बड़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे दिए, जो उनको भी मांग रहे हैं वो हमें दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, और हमारे पास अभी लो भी पेशेंट का बढ़ रहा है, क्योंकि उनको जब पड़ता है जब पेशेंट का फिर तब पड़ेगा जब आप फैसिलिटी देंगे, जब आप फैसिलिटी उनको कोई नहीं देंगे तो फिलो नहीं करेगा, वो आएंगे बेचारे अगर तकलीफ से कोई मेरे पास चल के आए, अगर मैं उसको फैसिलिटी नहीं दूँगा, उसके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड कोर्स, प्लस और फिजियोथेरापी, प्लस मेडिसिन, तो वो पेशेंट भी आएंगे दोबारा रिपीट करेंगे, हम अगर उनको फैसिलिटी देंगे तो वो बात मुश्किल है। इसमें यह होता है कि हमारे एक पुलिस वाले जवान बेचारे रोड पे खड़े होते हैं, चौदह चौदह बारह बारह घंटे की ड्यूटियाँ होती हैं, रोड पे खड़े होते हैं, पानी भी वही पीते हैं, रोड का पानी ले कर पीते हैं, रोड के पे खाना खा लेते हैं, इस वजह से उनमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है। हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए हर तरीके से, हमारी कोशिशें नहीं हम चल रही हैं, हम दुआ करें अल्लाह खैर करेगा, और हमारे पास अभी इस वक्त भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मौजूद है, आप इन होंगे हमारे रिसेप्शन से तो कल से, हालांकि हमारे पास जनरल केयर का डॉक्टर है,
कंसल्टेंट हमारे पास कोई भी नहीं है। जब से यहाँ पर जो बना है फोर्टी सेवन तब से कंसल्टेंट कोई नहीं, सब जनरल केटर के डॉक्टर हैं। तो जनरल केटर के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने जिसने हाउसअप किया हुआ है कैंप की हुई है उनको किस तरीके से बिठाया है उनसे हम काम ले रहे हैं। अभी देखें अभी मुलाने साहब ने ये प्रॉमिस किया है कि हम कंसल्टेंट हायर करेंगे उनको बिठाएंगे, कोशिशें जारी हैं। हमारे पास मुख्तलिफ ओ पी डीज हैं जहाँ पर चेस्ट ओ पी डी है, जनरल सर्जरी ओ पी डी है, आर्थोपेडिक ओ पी डी है, आई की ओ पी डी है, प्लस में हमारी गायनी वार्ड है जो कि 22 बेड पर मुश्किल है, किड्स वार्ड है जो कि 6 बेड पर हमने लगाया हुआ है, और फिजियोथेरापी है, ओ टी हमारे पास मौजूद है और नाक पूछी नहीं रहेगी। उसकी वजह यही है कंसल्टेंट ना हो, जब कंसल्टेंट सर्जन नहीं होगा तो ओ टी रन नहीं कर सकता, जब एनेस्थेटिक नहीं होगा तो ओ टी रन नहीं कर सकता। लिहाजा अभी चल रहे हैं आगे इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत बड़ी बहुत उम्मीद है बोला साहब से, क्योंकि वो बिल्कुल ही फोकस कर रहा है अस्पताल को यार मुझे ये करके है। हम कहते हैं सर आप ये फैसिलिटी दें हमें, बाकी काम हमारा है। माशाल्लाह हमारा एम एस साहब बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत सदर है, माने वो ऐसे भी करते हैं कभी कोई चीज़ मंगाती है तो अपने जेब से पैसे पलिता वगैरह ले लिया पेशेंट को फैसिलिटी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, ऐसा बंदा कोई हो जो बिल्कुल ऐसे करे और अपनी जेब से निकाल के दे दे भाई अगर सामान लेके इसको दे दो कुछ बाद में ले लेंगे। शुक्र है सब चल रहा है, दुआ करें आगे भी हम बस इसको थोड़ा आगे करें। जैसे कि हमारा थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा हो जाए और काम मजीद अच्छा हो जाए पुलिस ऑफिसर और पुलिस एम्प्लॉय और पुलिस सर्विस। और हमारे पास दो फैसिलिटी और भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास ई पी आई है एक्सपांडेड ट्रॉमा इम्यूनाइजेशन, वो भी हमारे पास है, फैमिली प्लानिंग भी हमारे पास है, वो भी मौजूद है हमारे नए वो डिस्ट्रिक्ट के मगर हमारे पास के फैसिलिटी। अच्छा साहब ये बताइएगा कि जो हमारे नौजवान नशे में फेल जाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो होते हैं टेस्ट होते हैं जो टेस्ट क्लियर करता है जी टेस्ट क्लियर करता है तो आगे बढ़ता है मेडिकल में उसका एडमिशन हो जाता है, अगर टेस्ट नहीं क्लियर करता तो उसको दे जाता है। मैं ये कहूँगा कि मेहनत करके आ गया है बहुत अच्छी फील्ड है हमारी, असल से बहुत अच्छा वैल्यू है बाहर कंट्रीज में एज अ डॉक्टर का, आगे आए बढ़े पढ़े मेहनत करें खाना बोले की इच्छा। मैंने काम के सिलसिले में तो उसका सफर नहीं किया जी। तो नाजिम ये भी हमारे साथ दिए हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब जिनके साथ बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, उन्होंने अपने जो है हॉस्पिटल में अपनी खिदमत के बारे में कंप्लीट की डिटेल दी। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद है डॉक्टर मुबीना, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं उनकी जो है क्या हमारे जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबीना, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं कि इस हॉस्पिटल में जो है इनकी क्या खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो आप कैसी हैं? ठीक है अलहमदिल्ला। मैम आप बताइए कि इस हॉस्पिटल में आपकी क्या खिदमत है? इस हॉस्पिटल में मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे जो है हम लोग फिजियोथेरेपी के हवाले से जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग डील करते हैं। मोस्टली हमारे पास जो डेली की जो पेशेंट्स हैं वो तकरीबन हमारे पास 45 पेशेंट्स हैं या उससे भी ज़्यादा समझ लें तो हम लोग हैंडल करते हैं। हमारे साथ जो हमारी सीनियर डॉक्टर हैं वो डॉक्टर फजीला, उनके साथ हम लोग मिलकर जो है पूरी ओ पी डी को रन कर रहे हैं, और हमारे जो सीनियर एम एस हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखानी उनकी क़यादत में हम इस हॉस्पिटल को जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उनको हम रन कर रहे हैं। तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे ज्वाइन में? मुझे अर्सा तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन उससे पहले से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मेरा तकरीबन यहाँ से समझ लें 1 साल पहले अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट हैं वो तकरीबन मोस्टली जो ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो गन शॉट के जो पेशेंट्स होते हैं या जैसे पुलिस के जो जवान जो है वो गन शॉट के बाद उनकी फ्रैक्चर वगैरह जो है हो जाता है, तो उसके बाद उनकी कंट्रैक्चर जब उनकी जो है बिल्कुल जब उनका हड्डी वगैरह टूट जाती है तो फिर उनमें कंट्रैक्चर हो जाता है पेशेंट्स में, तो उन कंट्रैक्चर को हम जो है वो खोलते हैं। उसके अलावा बैकिंग के पेशेंट बहुत सारे आते हैं हमारे पास,
बैकेट के अलावा हमारे पास जो है मोस्टली जो है वो सर्वाइकल इंजरी उसके पेशेंट्स आते हैं, सीवियर के पेशेंट्स आते हैं। तो इस तरह हम इस बहुत सारे जो है ये पेशेंट्स को जो है डील कर रहे हैं और 45 प्लस पेशेंट्स जो है वो हम इस टाइम इस ओपीडी में चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा रन नहीं कर रहा था, लेकिन जब से मुजफ्फर अली जाखरानी आए हैं उसके बाद से ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुबीना जो कि इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रही है, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इस हॉस्पिटल से रिलेटेड। और इसी के साथ हमारे साथ और डॉक्टर भी मौजूद थे, उन्होंने वो अपने जो है ख्याल का इजहार किया और वो भी बहुत अच्छी जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ अपने होस्ट किरण रवि को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।